आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। जालौन के उरई में 24 सितंबर की रात एक 65 साल के शिक्षक के सर पर प्रहार कर उसकी हत्या कर दी गई थी। जालौन पुलिस ने इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करते हुए उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया। पूरा मामला उरई कोतवाली क्षेत्र के राजेंद्र नगर का है, जहां बीते 24 सितंबर की रात एक शिक्षक की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में शिक्षक की पत्नी ने पुलिस को बताया था कि शिक्षक की हत्या ट्यूशन पढ़ने वाले दो छात्रों ने की है, लेकिन पुलिस शुरुआत से ही मामले को ऑनर किलिंग के नजरिए से देख रही थी। दरअसल शिक्षक अपनी बेटी और पत्नी के साथ रहता था। 4 दिन पहले संपत्ति को लेकर शिक्षक और उसकी पत्नी का विवाद हुआ, जिसके प्रतिशोध में आकर शिक्षक की पत्नी ने रात को अपने पति के सर पर लोहे के सब्बल से ताबड़तोड़ वार किए और उसे मौत के घाट उतार दिया। कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई। आरोपित पत्नी ने अपने आसपास के लोगों और बेटी का विश्वास हासिल करने के लिए इस हत्या की मनगढ़ंत कहानी रच डाली और हत्या करने के बाद रात को शोर मचाते हुए कहा कि अज्ञात छात्र ट्यूशन पढ़ने आए थे और उन्होंने ही घर में घुसकर शिक्षक की हत्या की है। जी सर, रोज मारता था, मोहल्ला में पत्थर लगा लो, मोहल्ला वाले भी देखते थे, कहते थे तुमको हो सकते हो। एक दिन वो दो दिनों जिंदगी से सहते सहते हो गया, तो फिर एक दिन मैंने भी काल कर धर लिया कि रोज रोज से चाहिए, मर गया मैं मरूंगी। मैं कौन झूठ बोल रही हूँ? कारण क्या था झगड़े का? कारण क्या? रोज मारता था, रोज मारता था, खर्चा ना दे तो मार तू ना, ये सब देखो ही मेरे हाथ है, 2 महीने पहले हाथ टूटा है, तो कहाँ तक सबूरी करूँ? कोई मेरे गाली देता रहता तो कान बहरे करती थी, मार पीट बहुत तक, बुढ़ापे में कहाँ तक सहूं, दूसरे का काम कर झाड़ू पोछा करके। किस हथियार से मारा? किस से मारा है इसने? मैंने उनने पहले 6 महीना पहले वही हथियार से ये मारा था मुझे। मैंने चला के कपड़ा भरे थे और वही रखे रहता था मारने को हमेशा, और परसों मुझे जूतों जूतों मारा, हथियार से नहीं मारा है, और इसके बाद फिर वही रखे था तो मैंने उठा के मार दिया कि ये तो ये मारेंगे ये मैं मर। घटना स्थल पर पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले थे और जब कहानी से पर्दा उठा तब पत्नी के हाथ पति के खून से रंगे हुए नजर आए। 4 दिन की जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने आज आरोपित पत्नी को मुकदमा दर्ज कर जेल भी भेज दिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने इस बारे में जानकारी दी। देखिए, ये जो 24 और 25 के रात्रि की घटना है, थाना उरई के कोतवाली के राजेंद्र नगर मोहल्ले में नारदा प्रसाद उमरे की हत्या की गई थी। इसी संबंध में मुकदमा थाना उरई में पंजीकृत किया गया था। इस घटना का अनावरण करते हुए पुलिस ने उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया है और उन्होंने अपना इकबालिया जुर्म करते हुए बताया है कि 24 तारीख के दिन में 3 बजे के आसपास में उनके अपने पति से किसी प्रॉपर्टी के लिए लेकर बातचीत हुई थी, विवाद हुआ था, उसमें संभवतः उनके पति ने उन्हें पीटा भी था। इसी बात से वो गुस्से में थी और जब रात्रि में जब पति और उनकी बेटी खाना खा के सो गए तब उन्होंने सब्बल से लेके अपने पति के सर पे वार किया और उसे उनकी हत्या कर दी, और उसके बाद सब्बल उन्होंने छिपा दिया था और छिपाने के बाद तब उन्होंने जाके अपने पड़ोस में अपने संबंधियों को बताया कि अज्ञात छात्रों ने उनकी हत्या कर दी है और इसी संबंध में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उस समय घटनास्थल पर सभी सूचना मिली थी तो सभी वरिष्ठ अधिकारीगण भी पहुंचे थे और क्षेत्राधिकारी नगर की लीडरशिप में काफ़ी अच्छे से वर्कआउट किया गया है इस घटना को और महिला को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। साथ ही साथ उनसे जो घटना में अलग सफल उपयोग किया था उन्होंने उसकी बरामदगी भी कर ली गई और अग्रिम विधि कर रहे हैं। जालौन से विवेक त्रिपाठी, पब्लिक न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।